सभी जगह हमने उम्मीदवार तय कर लिए। मैं ये कहना चाहूंगा, ये सरकार जो है, अभी एक इनके मंत्री कह रहे थे कि हम 10 महीने के काम के आधार पर इस उपचुनाव के अंदर जाएंगे, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, बीजेपी में हिम्मत है तो 10 महीने के काम के आधार पर उपचुनाव के अंदर वोट मांगे। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी ये सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ईआरसीपी पीकेसी योजना का शिलान्यास करने के लिए राजस्थान आना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा जो जयपुर का ये प्रोग्राम जो उन्होंने प्रस्तावित किया है, तीनों ही जिले, चाहे दौसा हो, चाहे अलवर हो, चाहे टोंक देवली हो, इन जिलों में आचार संहिता लगी हुई है, उपचुनाव है, ये सारे जिले जो है इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं, तो ये एक प्रकार से आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा है, और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमने इसरदा और नवनेरा बांध का काम शुरू किया, पूर्ण भी हो गया है, और ये पूरा प्लानिंग हमारी थी। इन लोगों ने 10 साल तक इसको अटका के रखा, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए, और वो ये दौरा जो है 13 नवंबर के बाद यहाँ बनाए और इसका शिलान्यास करें, और जो हकीकत है वो भी जनता को जरूर बताएं।